वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं एवरेज के, जो क्लास फिफ्थ मैथ्स में एवरेज है, उसके सॉल्यूशन को लेकर आया हूँ। यूनिट 10 का सॉल्यूशन ऑफ यूनिट 10 एवरेजेज। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वर्कशीट 1 में यह एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल में हमको सम ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स फाइंड आउट करना है और फिर एवरेज फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एवरेज निकालने का तरीका ही यही होता है। उसका फार्मूला है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एडेंट्स होते क्या हैं, जितने भी नंबर्स दिए हैं उन्हीं को काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 फाइव नंबर्स दिए हैं, फाइव विल बी एडेंट्स। ठीक है, अगर यहाँ फाइव बच्चों की एज दी रहती तो उन फाइव बच्चों को हम काउंट कर लेते, कितने बच्चे हैं, फाइव, तो एडेंट्स हो गए फाइव। और सम ऑफ नंबर्स, जितना नंबर दिया उनका टोटल। तो इसका चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, इसमें बी में ए तो दिया हुआ है, बी में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 टोटल फाइव डिजिट्स हैं, तो जो एडेंट्स होंगे वो फाइव नंबर्स हैं, तो फाइव एडेंट्स। और इसका सम निकालने पर आया 25। तो अब एवरेज हम निकाल लें, 25 को 5 से डिवाइड कर दें, आ जाएगा 5। अगला 36, 34, 17, 42, 101, 36 इनको काउंट करेंगे तो ये आ रहा 6। तो एडेंट्स कितने हुए, 6, और टोटल करने पर आया 246। तो एवरेज फाइंड आउट कर लीजिए, 246 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 41। फिर यहाँ देखिए 28 रुपी 40 रुपी 22 रुपी, तो कितने हैं, 1, 2, 3, तो एडेंट्स हो गए 3 और ये सम आ जाएगा इसका 90। जब डिवाइड करेंगे तो रुपी 30 आएगा। यहाँ ये लेंथ दी हुई है, देखिए 1, 2, 3, 4 फोर चीज़ों की लेंथ दी हुई है, तो एडेंट्स हो गए 4। सम करने पर 84, डिवाइड कर दिए 84, भाई यही ना एवरेज का फार्मूला होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई एडेंट्स। तो ये आएगा 84 डिवाइडेड बाई 3 यानी 21 सेंटीमीटर। फिर बच्चों यहाँ देखिए कितने नंबर्स दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर्स हैं, तो एडेंट्स हो गए 10। और सम करने पे आया 650, डिवाइड कर दें, 650 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 65। तो इस तरह से यह टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं। एवरेज का जो फार्मूला है उसी को यूज किया गया है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। तो बच्चों इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो कितने फ्रैक्शन है पहले काउंट तो कर लें, 1, 2, 3, 4, 5 यानी एडेंट्स कितने हो गए, 5। अच्छा, इसको अभी मैं बता रहा हूँ, उससे पहले ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर लेते हैं। वी डिवाइड 14 बाई, अब भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 8 और 6 का एवरेज निकालना है तो 14 को कितने से डिवाइड करें। तो भाई एवरेज निकालने का तरीका होता है कि पहले सम ऑफ नंबर्स करें, तो 8 और 6 का सम करेंगे तो आएगा 14, और एडेंट्स कितने हैं, 1, 2 एडेंट्स है 2, यानी 14 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। द एवरेज ऑफ 11 एंड 9 इज, अब 11 और 9 का एवरेज निकालना है तो दो नंबर हैं, 1, 2 एडेंट्स हो गया 2, और सम ऑफ नंबर्स निकालने, 11 प्लस 9 जो फार्मूला होता है उससे सम निकालने, अगर 11 प्लस 9 यानी हो जाएगा 20 और एडेंट्स हैं 2, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन एडेंट्स यानी 20/2, तो आंसर आएगा 10। सी है द एवरेज ऑफ 10, 100 एंड 1000 इज,
अब इन तीनों का एवरेज निकालना है। फिर फार्मूला वही है, सम ऑफ नंबर्स पहले निकालें, 10 प्लस 100 प्लस 1000, कॉलम अरेंज करके हम इसे ऐड करेंगे। ठीक, सम ऑफ नंबर्स मिला। अब एडेंट्स कितने हैं, 1 2 3। अब 3 एडेंट्स है तो जो भी सम ऑफ नंबर्स आया उसमें 3 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 1110/3, डिवाइड करेंगे 370 आएगा। ठीक है, डी वी डिवाइड। अब देखिए यहाँ पर भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे सम ऑफ नंबर और एडेंट के बारे में फिल इन द ब्लैंक में भरना है। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि इनका सम ऑफ नंबर्स निकाल लें, 1, 2, 3, 14 और 10 का। तो सम करने पर ये आएगा 30, तो सम ऑफ नंबर्स यहाँ आ गया 30। एडेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 एडेंट्स है। तो एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ नंबर्स में से एडेंट से डिवाइड करेंगे तभी ना मिलेगा एवरेज। एवरेज निकालना है हमको 16 kg, 18 kg और 20 kg का। तो बच्चों पहले सम ऑफ नंबर्स निकाल लें, 16 प्लस 18 प्लस 20, सम ऑफ नंबर्स हो गया। फिर एडेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, एडेंट्स का मतलब कितने को आप ऐड कर रहे हैं, तो 3 नंबर्स हैं तो अब जितना सम आया उसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा 18 kg। अब इस क्वेश्चन का सलूशन को भी देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन 2 देखिए। तो सबसे पहले सम ऑफ नंबर्स हमको निकालना पड़ेगा, सम ऑफ नंबर्स निकालने के लिए इनको ऐड कर दिया जाए, 1/10 + 2/10 + 3/10 + 4/10 + 5/10। तो देखिए अब इन सब का डिनोमिनेटर इक्वल है, 10 ही है। अगर अलग अलग डिनोमिनेटर होता है तब हमको एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो देखिए डिनोमिनेटर 10 है सबका, तो 5 times हम डिनोमिनेटर क्यों लिखे, सबको हटा कर एक बार डिनोमिनेटर लिख दिए 10 और ऊपर वाले नंबर्स को प्लस साइन लगाया, तो ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे ये आएगा 15/10, सही है। अगर इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो 10 ही तो आएगा, तो 10 आ गया यहाँ और ऊपर के नंबर्स को ऐड कर लिया आ गया 15/10, सम ऑफ नंबर्स आ गया। टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एडेंट्स हैं। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स, तो ऐड कर लीजिए। सम ऑफ नंबर्स हमारे पास है 15/10 डिवाइडेड बाई एडेंट्स यानी 5। अब देखिए ऐसा जब केस हो तो उस केस में हमको ये ध्यान रखना है कि ये 5 जाएगा कहाँ। तो 15/10 एक साथ है, इसको एक साथ लिख लिए, इंटू 1/5, 5 से ही डिवाइड किए थे तो 5 नीचे ही है, देखिए डिवाइड ही है। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 के टेबल में 5 भी आता है, 15 भी आता है, क्रॉस हो गया, आंसर आ गया 3/10। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जब भी फ्रैक्शन ऊपर रहता है और किसी नंबर से उसे डिवाइड किया जाता है तो वह नंबर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के साथ और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चंस का सलूशन मैंने बता दिया है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वर्कशीट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 एजेज ऑफ 6 चिल्ड्रेन चूजन फॉर ए प्रोजेक्ट वर्क, किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए स्कूल में 6 बच्चों को सिलेक्ट किया गया जिनकी एज 13 years, 16 years, 14 years, 17 years, 16 years and 14 years respectively। आप देख रहे हैं सबकी, सारे बच्चों की एज अलग अलग है। तो अगर कोई पूछ ले कि भाई इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले बच्चों की एवरेज एज क्या थी तो क्या बताएंगे आप, नहीं बता पाएंगे।
तो इसीलिए एवरेज निकाला जाता है। तो सबसे पहले सम ऑफ द एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, सभी की एज को ऐड कर लेते हैं, 13 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 14, सम करने पे ये आया 90। और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं, ऐड कितनों को किया गया गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स हो गए 6। अब सम ऑफ नंबर्स भी मिल गया, टोटल एडेंट्स भी मिल गए, तो निकाल लें एवरेज एज ऑफ ए चाइल्ड इन द टीम इज इक्वल टू सम ऑफ द एजेज अपॉन टोटल एडेंट्स। जो फार्मूला हम जान रहे हैं मैंने वही यूज किया है। तो सम ऑफ एजेज है 90 अपॉन टोटल एडेंट 6, आएगा डिवाइड करने पे ये 15 ईयर, यानी उस टीम के सभी बच्चों की जो एवरेज एज है वह 15 ईयर्स है, यानी 15 ईयर के आसपास की एज सभी बच्चों की है। तो बच्चों इसे सॉल्व करिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बी क्वेश्चन। सचिन स्कोर 98, 25, 105, 62 एंड 65 रन्स इन 5 मैचेस। अलग अलग 5 मैचेस में सचिन तेंदुलकर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो अगर सुना है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सचिन तेंदुलकर कौन है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है इसके अलावा, सचिन के नाम के अलावा। तो ये उनके अलग अलग 5 मैचेज के स्कोर दिए हुए हैं। व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन ए मैच। अब अलग अलग मैच में अलग अलग रन बनाया है उन्होंने, तो अगर भाई जानना हो कि सचिन तेंदुलकर का एवरेज स्कोर क्या रहता है एक मैच में, जनरली वो कितना बना देते हैं, तो एक एवरेज स्कोर हमें पता रहना चाहिए। तो वही कह रहा है एवरेज स्कोर निकालिए। तो सबसे पहला काम तो सम ऑफ द रन्स ऑफ ऑल मैचेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ ए मिस्टेकली कुछ क्वेश्चंस में नंबर यही रह गया है, तो आप सही कर लीजिएगा, ये बी का सलूशन है। सम ऑफ द रन ऑफ ऑल मैचेज, तो सभी रन को ऐड कर लिया हमने, देखिए ऐड करने पर 355। इसे कॉलम अरेंज करके ऐड करिएगा आप। उसके बाद एडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने नंबर्स को ऐड किया गया, देखिए 1 2 3 4 5, तो एडेंट्स हो गए 5। तो एवरेज स्कोर इन ए मैच इज इक्वल टू 355/5, डिवाइड करने पे 71 रन आया, यानी उनकी एवरेज स्कोरिंग कितनी है, 71 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी। रामा अर्न 65, 82, 79, 75, 90 एंड 83। किसी पर्सन की जिसका नाम रामा है उसके 6 दिन की इनकम को यहाँ शो किया गया है, किसी दिन वो इतना रुपए, किसी दिन इतना, किसी दिन इतना, अलग अलग दिन अलग अलग रुपए कमाता है। फाइंड हिज एवरेज अर्निंग इन ए डे, उसकी हर दिन की एवरेज अर्निंग क्या होगी। तो अब आप तरीका सीख चुके हैं कैसे एवरेज निकालते हैं। सम ऑफ द अर्निंग्स इन 6 डेज, जितना अर्निंग है 6 डेज की सबको ऐड करिए, इन्हें ऐड कर दिया हमने, ये आया 474 रुपी। एंड टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स हो गए 6, सही है। तो एवरेज अर्निंग इन ए डे सम ऑफ नंबर्स अपन टोटल एडेंट्स, तो भाई निकाल लेते हैं उसकी पर डे की एवरेज अर्निंग कितनी होगी, ये आई डिवाइड करने पे 79 रुपी, यानी उसकी एवरेज अर्निंग अगर मानी जाए तो वो लगभग 79 रुपीज है। यहाँ पे सी का सलूशन है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी इन 5 डेज वाज दिस 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 एंड दिस।
व्हाट वाज द एवरेज डेली टेम्परेचर, किसी शहर का टेम्परेचर मतलब समझ रहे हैं तापमान, उस शहर की जो तापमान है टेम्परेचर है भाई, अलग अलग दिन किसी दिन ज़्यादा गर्म रहता है किसी दिन कम गर्म रहता है मौसम, तो 5 डेज का इसने टेम्परेचर नोट किया है किसी शहर का, तो अलग अलग दिन अलग अलग टेम्परेचर था। पूछ रहा व्हाट वाज द एवरेज डेली टेम्परेचर, तो सारा तरीका वही है, बस इन नंबर्स का पहले हम ऐड कर लें इन टेम्परेचर्स को, सम ऑफ द टेम्परेचर इन 6 डेज, इन्हें ऐड कर लिए कॉलम अरेंज करके, ये आया 194.5 डिग्री सी, डिग्री सी यानी इसका यूनिट है टेम्परेचर का सेल्सियस बेटा, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, वेट की यूनिट केजी होती है, और कैपेसिटी की यूनिट लीटर होती है मिलीलीटर होती है, उसी तरह टेम्परेचर की यूनिट होती है सेल्सियस, ठीक है। तो नापने का यूनिट है ये, तो सम ऑफ नंबर हमने निकाल लिया सम ऑफ टेम्परेचर्स, और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं, तो कितने को ऐड किया काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 को हमने ऐड किया है तो एडेंट्स हो गए 5। तो एवरेज डेली टेम्परेचर इज इक्वल टू टोटल टेम्परेचर अपॉन टोटल एडेंट्स, वैल्यू पुट अप करके देखिए मैंने निकाला है कैलकुलेट करके आया 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना एवरेज डेली टेम्परेचर उस शहर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, ये देखिए भारत नाम का कोई बच्चा है, वो अलग अलग 6 सब्जेक्ट में उसके क्या स्कोर रहे हैं यहाँ पर दिया गया है, इंग्लिश हिंदी संस्कृत मैथ साइंस सोशल साइंस, सब में कितना कितना मार्क्स इसने पाया है ये दिया है, सब में देखिए अलग अलग मार्क्स है, तो उसका एवरेज स्कोर पर सब्जेक्ट क्या होगा, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में एवरेज स्कोरिंग क्या मानी जाए। तो सबसे पहले मार्क्स को ऐड कर लिया जाए, सम ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, तो ऐड करने पर यह आया 504। टोटल एडेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एडेंट्स हैं तो 6 लिख लिए यहाँ। एवरेज स्कोर इन ए सब्जेक्ट डिवाइड कर ले बेटा सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन टोटल एडेंट्स, सम ऑफ ऑल मार्क्स कर देते हैं 504 अपॉन 6, तो ये आया 84 मार्क्स, 84 मार्क्स है उसका एवरेज स्कोर पर सब्जेक्ट कितना हो गया, 84 मार्क्स। एक बात और बच्चों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें ताकि आपको और भी वीडियोज मिलते रहें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, देखती है इन एन ऑफिस 20 एम्प्लॉयज गेट ए सैलरी ऑफ 1250 ईच, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक ऑफिस में 20 एम्प्लॉय हैं जो कि हर एक आदमी 20 एम्प्लॉय में हर एक आदमी इतना रुपए पाता है सैलरी में, एक पर्सन का ये सैलरी है, तो 20 एम्प्लॉय इतना पाते हैं तो 20 एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हुई, 20 into this, तो वही देखिए मैंने किया है सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज इज इक्वल टू 20 into 1250, ये आया 25,000 एंड 10 एम्प्लॉय, और इनके अलावा 10 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 2000 है हर एक आदमी की, तो इनका भी निकाल लेते हैं टोटल सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय, 10 into 2000 यानी 20,000 रुपी, सही है। तो सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी हो गई भाई, ये दोनों ऐड कर ले आया 45,000 रुपी, और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हुए, एम्प्लॉय कितने थे 20 इधर प्लस 10, 20 और 10 हो गए 30 एम्प्लॉय, यानी टोटल एडेंट्स हो गया 30 और सम ऑफ सैलरी हो गया 45,000, तो बस एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी निकाल लें अगर तो कितना आएगा,
sum of salary upon total number of addends. Put the value 45,000 upon 30, ये आएगा रुपी 1500. भाई अब कोई ज़्यादा पा रहा है, कोई कम पा रहा है, तो एवरेज सैलरी कितनी मानी जाए कि लगभग कितना सबको देते हैं, तो एवरेज सैलरी आई उस कंपनी के एम्प्लॉयज की 1500 रुपी. जी यहाँ पर देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच हुआ है उसके जो है दिया हुआ है स्कोर बोर्ड, फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच, फोर्थ मैच में क्या स्कोर रहा. क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ इंडिया इन ए मैच. इंडिया का स्कोर, एवरेज स्कोर क्या रहा. तो तरीका आप जानते हैं, सबसे पहले सम ऑफ नंबर्स कर लें, सम ऑफ रन्स और टोटल मैच कितने हैं. तो सम ऑफ रन्स हमने ऐड किया तो ये आया 940, और कितने मैच, फोर मैच देखिए यहाँ पे खेला गया, 1, 2, 3, 4 एडेंट्स हो गए, 4 डिवाइड किया. ये आ गया 235 रन्स. इसी तरह एवरेज स्कोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया निकालना है तो ऑस्ट्रेलिया का भी एवरेज स्कोर निकाल लेते हैं, टोटल रन्स कर लेते हैं ऐड करके अपन टोटल एडेंट्स. तो ये आया 844 अपन 4, 211 रन्स आया ऑस्ट्रेलिया का. तो थर्ड क्वेश्चन, विच टीम परफॉर्म बेटर. तो भाई बताइए कौन अच्छा रन बनाया, 235 ज़्यादा होगा कि 211? 235 ज़्यादा होगा, इसका मतलब इंडिया परफॉर्म बेटर देन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब ब्रेन टीजर्स के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं इस चैप्टर के. फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स. यहाँ कुछ सेट्स दिए गए हैं, उनका हमको एवरेज फाइंड आउट करना है. आप जानते हैं, सम ऑफ नंबर्स कर दें अपन टोटल एडेंट्स. एडेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने नंबर को ऐड कर रहे हैं वही एडेंट्स हो जाते हैं. तो 6 है तो 6 से डिवाइड किए, 114.5 आ गया आंसर. फिर देखिए फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, एवरेज इसका निकालना है. तो सम ऑफ फ्रैक्शंस ऐड कर लीजिए अपन टोटल एडेंट्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर दिए. सबका डिनोमिनेटर 10 है, यानी एलसीएम 10 होगा, सीधे ऐड कर लीजिए ऊपर का, तो आएगा 28 अपॉन 10 अपॉन 5. तो मैंने बताया था कि जब किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वह नंबर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 28 अपॉन 10 इंटू 5 अपॉन 1 अपॉन 5. अब आप देख रहे हैं 2, ये दोनों इवन नंबर्स हैं, 10 भी और 28 भी. तो इवन नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 आएगा, इधर आ जाएगा 14. तो आंसर आया हमारा 14 अपॉन 25. एक नंबर यह भी दिया हुआ है तो इसका भी एवरेज निकाल लेते हैं. सारे नंबर्स को कॉलम अरेंज करके हम ऐड कर लेंगे. एडेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो एडेंट्स की जगह 5 लिख देंगे. ऐड करने पाया 90.5 अपॉन 5, आंसर आएगा हमारा 18.1. इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे हम. क्वेश्चन 3, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स. तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं भाई, 1 से लेकर 10 तक के नंबर. तो उन सबका नंबर का सम निकाल लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, यही तो फर्स्ट काउंटिंग नंबर्स हैं. तो वही कह रहा फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स. तो इन 10 काउंटिंग नंबर्स को ऐड करने पे आएगा 55. और एडेंट्स कितने हो गए, इनको काउंट कर लीजिए, ये आएंगे 10. टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स 10. तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल एडेंट्स. 55 अपॉन 10 इज इक्वल टू 5.5.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, नंबरिंग पे मत जाइएगा, मिस्टेकली इट हैज बीन रिटन हियर। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ फाइव। देखिए ये दोनों क्वेश्चन, या यूं कहिए ब्रेन टीजर के ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ फाइव, अब फाइव के मल्टीपल्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो फाइव से डिवाइड हो जाए। लेकिन बोला फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स, तो फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स भाई फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। ये फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स हुए फाइव के। तो सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स कर लें, इन्हें ऐड कर लिया हमने, आया 75। एडेंट्स कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव एडेंट्स हैं। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ फाइव, तो सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स अपॉन टोटल एडेंट्स, 75/5 इज इक्वल टू 15। इसे 15 कर लेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एवरेज एज ऑफ थ्री ब्रदर्स इज 15 ईयर। देख रहे हैं यहाँ पे थ्री ब्रदर्स की एवरेज एज ऑलरेडी दे रखा है 15 ईयर। एवरेज एज हमको मालूम है, निकालना नहीं है। इफ द एज ऑफ टू ब्रदर्स इज 15 ईयर एंड 12 ईयर, थ्री में से टू ब्रदर्स की एज भी दे दिया, तो फाइंड द एज ऑफ थर्ड ब्रदर, थर्ड ब्रदर की एज फाइंड आउट करनी है। तो हम फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, एवरेज एज इज इक्वल टू एज ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड ब्रदर अपॉन टोटल एडेंट्स या टोटल ब्रदर्स। तो एवरेज एज ऑलरेडी दे रखा है, इसके नीचे हमने लिख दिया 15 इज इक्वल टू, टू ब्रदर्स की एज भी दे दिया है, 15 प्लस 12 प्लस थर्ड ब्रदर, एज ऑफ थर्ड ब्रदर, और कितने भाई थे? थ्री। तो एडेंट्स हो गया थ्री। अब देखिए इक्वल के इस साइड थ्री डिनोमिनेटर में है, जब इस साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल के अपोजिट ले जाने पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई। तो 15 इंटू थ्री हो गया इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दिया आ गया 27 प्लस एज ऑफ थर्ड ब्रदर। अब यहाँ 27 प्लस है, देखिए प्लस है, जब इसे इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ डिवाइड था इधर ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह ये प्लस है तो इधर ले जाने पे माइनस हो जाएगा। तो इन्हें मल्टीप्लाई किया हमने, 45 माइनस 27 इज इक्वल टू थर्ड ब्रदर इधर बचा, तो 18 ईयर्स एज ऑफ थर्ड ब्रदर इज इक्वल टू 18 ईयर्स, यही हमारा आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बार बार प्रैक्टिस करिए। द हाइट्स ऑफ फोर मेंबर्स ऑफ फैमिली आर, एक फैमिली के फोर मेंबर्स की हाइट दी हुई है, एवरेज हाइट ऑफ वन मेंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला जान रहे हैं, उससे पहले सम ऑफ द हाइट ऑफ ऑल मेंबर्स निकाल लेते हैं कॉलम अरेंज करके। तो ये आया 5 मीटर 36 सेंटीमीटर, और इसमें कितने एडेंट्स हैं? 1 2 3 4, फोर एडेंट्स हैं, फोर से डिवाइड कर दिए। इसे देखिए मीटर सेंटीमीटर में है दोनों, या तो 5.36 कर दीजिए सीधे सीधे, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो 500 सेंटीमीटर प्लस 36 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर ऐड करने पे आया 536/4, यानी 134 सेंटीमीटर। या फिर इसको हम मीटर सेंटीमीटर में करें तो 1 मीटर 34 सेंटीमीटर, या पॉइंट में करें तो 1.34 मीटर। ये सब कन्वर्जन आपको फोर्थ में बताया जा चुका है। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, एक स्कूल में देखिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं। तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास। गर्ल्स का एवरेज निकालने के लिए पहले इन सारे नंबर्स को ऐड कर लें, सम ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स। तो गर्ल्स सम की है, गर्ल्स कितने क्लास हैं? 1 2 3, एडेंट्स हो गया 3।
डिवाइड किए 26 गर्ल्स आया। इसी तरह एवरेज नंबर ऑफ बॉयज हम फाइंड आउट कर लेंगे, सम ऑफ बॉयज अपॉन टोटल क्लास, तो सम ऑफ बॉयज करने पे 111 अपॉन 3, 3 क्लास है ना, 1, 2, 3, तो डिवाइड किए 37 बॉयज आ गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल थ्री क्लासेज। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ दिया, केवल बॉयज और गर्ल्स के बारे में नहीं पूछा, दोनों को पूछ दिया। स्टूडेंट का मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों, तो सम कर लीजिए, सभी को ऐड करने पर ये आया 189। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 189। तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, क्लास तो 3 ही है, 1, 2, 3 ही है ना क्लास, तो 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 63 स्टूडेंट्स, यानी एवरेज स्टूडेंट कितने हैं हर क्लास में? 63। तो बच्चों अब पूरा सलूशन मैंने समझा दिया है एवरेज का इस वीडियो में। जिनको एवरेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहां से अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको अपने से ही वर्क कंप्लीट करना है, पहले सॉल्व करना है, ना आए तब जाकर आपको इन सॉल्यूशंस को देखना है। ओके, थैंक यू।